वही पुराना सेटअप, वही थोड़ी वियर्ड शक्ल, फेरान और इसका बुल मेंटालिटी वाला कट, एंड आई थिंक वी आर बैक फाइनली। और भाई वैसे वैसे हेट वॉच इज गोइंग ऑन, यू नो, जिनको कंटेक्स्ट पता है इसका, इट विल गो ऑन, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंटेक्चुअलाइज सम थिंग्स, क्या हो रहा है बार्सा में। और आई थिंक बिफोर चैंपियंस लीग वीक, जो शायद अब शुरू होगी चैंपियंस लीग गेम्स, उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर बार्सा स्टैंड्स, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी सोशल मीडिया पे एस्पेशली आफ्टर दिस गेम, एंड लेट्स सी इफ बार्सा इज रियली गुड। भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल का जो गेम था, इट वॉज आई विल से द बेस्ट गेम वी हैव प्लेड दिस सीजन। चार पांच गेम हुए, सारे गेम, लिटरली सारे गेम ही बेकार थे ऑनेस्टली। एक विलारियल वाला गेम मजेदार था, बट लाइक अगर तुम फैन हो क्लब के तो यू वुडंट हैव लाइक। एज फार एज लीग इज कंसर्न, आई थिंक भाई मेट्रिक्स कहेंगे कि वी आर डूइंग फाइन, कुछ चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक्सजीएफ लीगा में, सबसे कम शॉट ऑन टारगेट कंसीड कर रही है बार्सिलोना इस वक्त, और सबसे कम एक्सपेक्टेड गोल्स अगेंस्ट भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। लाइक जो मेजर मेजर तुम कह सकते हो कि एक शो करते टीम का आउट, मतलब ऊपर से इट लुक्स गुड। थोड़ी चीज़ें बेकार है, जैसे शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन, आई डोंट इवन थिंक वी आर क्लोज, लाइक वी आर मे बी 10th पोजिशन, समथिंग लाइक दैट। इसकी बैकलाइन में चारों प्लेयर्स लामासिया के थे, दे हैड 5 लामासिया ग्रेजुएट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और पेलेग्रिनी हैड रेस्टेड बेतिस के प्लेयर्स फॉर देयर यूरोपियन टाइम। तो ऑब्वियसली दिस वाज प्रोबेबली द वीकेस्ट डिफेंस वी हैव फेस्ड अभी तक ला लीगा में, और उसके अगेंस्ट अच्छा लगना ऑब्वियसली, मतलब समझ रहे, देर आर क्वेश्चन मार्क्स, आई वुडंट से कि ये परफॉर्मेंस बेस लाइन है बार्सा की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि भाई द मोमेंट जाओ कैंसेलो हैज केम इन, और क्योंकि भाई पूरी लाइक तुम बात कर सकते हो सर्गी रोबर्टो की, और वो थोड़ा बजर बट्टू की तरह भागता है, कोशिश करता है, मतलब मैं हेट लाना ही नहीं चाहता ऐसे प्लेयर पे, बट कम ऑन, वी ऑल नो कि उसके साथ थोड़ा कम्पीट करना मुश्किल है यूजली, क्योंकि वो थोड़ा तुम्हें डिफेंसिवली फोर्स करता है चीज़ें करने के लिए, यू कैन नॉट प्रेस एज हाई, ये सब चीज़ें हैं सर्गी रोबर्टो के साथ, बट कैंसेलो के साथ थिंग्स चेंज भाई, और ये बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकता है थ्रू आउट द सीजन। गुड टू हैव अ कॉम्पिटेंट राइट बैक। इंटरेस्टिंग है, पहला गोल अगेन कम्स फ्रॉम हाई प्रेस, जो आई थिंक बार्सा का बेस्ट चांस क्रिएशन मैकेनिज्म है, जस्ट प्रेसिंग हाई, और तुम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जाओ कैंसेलो प्रेस हाई, लास्ट सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुंडे वॉज डूइंग दिस, सिमिलर सिचुएशंस में कुंडे बॉल जीत रहा था एंड यू वर स्कोरिंग गोल्स, लिटरली वही सेम जगह से आया ये गोल। और भाई फीलिक्स की बात करें, इंटरेस्टिंग, लोग कहते हो मैं हेट कर रहा था अगेन, अब मेरे को ये ऐसे खुद को क्लियर करें, मतलब जो लोग अंडरस्टैंड करते हो करते हैं, बट कम ऑन फीलिक्स, आई डोंट ऐसे हेट फीलिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इफ फीलिक्स वोंट बी अ गुड साइन फॉर बार्सा, इवन दो ही वर्क्स आउट, इवन इफ ही वर्क्स आउट वेरी वेल, वो जो 100 मिलियन सब कह रहे हो, पता है लाइक उसकी प्रोफाइलिंग जो कहते हैं लोग, एटलेटी में अच्छा नहीं था, चेल्सी में सही नहीं था, मे बी बार्सा में, इवन इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट, आई वुडंट साइन जाओ फीलिक्स, बट दैट इज फॉर द ट्रांसफर विंडो, इस बात को बाद में बात करेंगे, पर इंटरेस्टिंग था। शावी सेड आई थिंक ओसासुना वाले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी नीड लेवेंडोस्की टू बी हायर अप, वो ड्रॉप ना करे, अपनी पोजीशन लूज ना करे, और आज हमने ही देखा लेवेंडोस्की मतलब कर रहा था, लेवेंडोस्की बाय द वे बहुत अच्छा था आज, लेवेंडोस्की वॉज ड्रॉपिंग हेल्पिंग आउट, टच स्क्रीन थे, बट इट वॉज कि वो लास्ट लाइन पे था काफ़ी बार, बॉक्स में था काफ़ी बार, एंड दैट वॉज वट मेड डिफरेंस। और फीलिक्स ने खुद कहा दैट आई शुड बी क्लोजर टू लेवेंडोस्की, और कोई मुलर वाला सीन, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये मुलर, ही माइट बी द मुलर टू लेवेंडोस्की बार्सा में, तो दैट्स गुड टू सी। आई थिंक डायनेमिक्स अच्छा है, स्पेशली फीलिक्स इज लाइक अ थोड़ा, ही इज लाइक हाफ ऑफ अ स्ट्राइक, फीलिक्स का मेरे को लाइक फिट अच्छा लगा है, वो लास्ट लाइन एंगेज कर रहा था और बाकी जो ड्रॉप कर रहा था वो अच्छा था। बट जो मेरे को जिस बंदे के लिए तारीफ करनी है, जिस बंदे के बिना इट दिस टीम डजंट एग्जिस्ट, द टीम इज नो मोर, देर इज नो हाई प्रेस, देर इज नो एग्रेशन, देर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीम में, जिस बंदे के बगैर। ऑब्वियसली हमारे पास कैप्टन सारा हुआ है, फ्रेंकी, ये सब देर आर लीडर्स ऑन द पिच, अग्रीड, दिखता भी है, एवरीबडी इज गिविंग देयर बेस्ट, अग्रीड। गावी इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस टीम, ही सेट्स द टोन भाई इस गेम टीम के लिए, इतना एग्रेशन, ऑपोजिशन के कॉर्नर्स में बॉल जीत रहा है हर जगह, ही इज लाइक फुल ऑफ एनर्जी, इनक्रेडिबल प्लेयर, आई थिंक देर इज नो लाइक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ वट वी नीड फॉर बार्सा। ये जानना कि हमारे मिडफील्डर्स कितने पासिस कर रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ी डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा है,
तो ऑन एन एवरेज आई से जो फ्रेंकी डे ऑंग है वो 100 प्लस पासेस कंप्लीट कर रहा है ऑलमोस्ट एवरी गेम, विच इज ग्रेट, ही शुड हैव दैट दोज मिनी टचेस. पेड्री वॉज कंप्लीटिंग, पेड्री ने कार्डिस का गेंस 60 पासेस करे थे, हेटाफे के गेंस जस्ट 28, और हेटाफे वाला गेम हमें याद है बहुत बेकार था. वी हैव रोमियो जो कि 60 प्लस पासेस टच कर रहा है, एंड वी हैव गावी हु इज गेटिंग क्लोज टू 50 पासेस पर गेम. और इसका स्टार्ट बेकार था क्योंकि गावी अगेंस्ट कार्डिस हैड 19 पासेस, शायद वो बेंच से आया था. देन विलारियल के अगेंस्ट 37 पासेस, देन ओसासुना के अगेंस्ट 54, एंड देन अगेंस्ट बेटिस एज वेल 54 पासेस. आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके साथ कि हमारे बहुत सारे बिल्डअप का लोड ना फ्रेंकी लेते, एंड दैट थोड़ा इन अ वे, और फ्रेंकी बहुत टाइम लेते बॉल पे. आई एम नॉट सेइंग कि ये फ्रेंकी की बुरी बात है, इट्स लाइक कि टीम का लोड उस पर, लाइक अ लॉट ऑफ जो प्रोग्रेशन का लोड है वो सारा फ्रेंकी पे है. और ये हमारे प्रोग्रेशन चार्ट्स में दिखता है आउटसाइड ऑफ दो सेंटर बैक क्रिश्चियनसन और कुंडे. फ्रेंकी लाइक इज इन अनदर टीयर प्रोग्रेशन के मामले में, और मिडफील्डर्स इन्वॉल्व नहीं है. कल के गेम में अगेंस्ट बेटिस वी सॉ गावी इन डीपर रीजन्स एंड इट लुक्ड ग्रेट. वो ही लुक्स अ डिफरेंट प्लेयर भाई डीपर रीजन्स. आई थिंक ही नीड्स दैट फ्रीडम, ही नीड्स टू बी ऑन द बॉल मोर, और यही डिफाइन करेगा लाइक हाउ आर मिडफील्ड डायनेमिक वर्क्स. और आप एक और चीज़ लाइक अब कांसेलो ऐड हो गया, वो इन्वर्ट कर रहे हैं मिडफील्ड के अंदर, तो इट विल बी लाइक अब थोड़ा डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रेंकी से कांसेलो लोड ले सकते हैं थोड़ा. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कैसे मिडफील्ड टर्न आउट करती है. पर हाँ, आई थिंक थोड़ा अब शेप ले रहा है विद बेटर प्लेयर्स. ऑफ कोर्स इट्स इजी विद गुड प्लेयर्स, वी ऑल नो दिस. पर मेरे लिए स्पेशली आई वॉन्ट प्रेस ऑन इट, बट जो सेकेंड हाफ था भाई, दैट वॉज द शिट. और हमारे अटैकर्स लुकिंग गुड भाई. फेर्रान स्कोर्ड, इंटरेस्टिंग बात, फेर्रान इस गेम में आई थिंक उसका लाइक इतना यूज़ नहीं किया हमने, ज़्यादा आइसोलेशन वगैरह में फेर्रान को डाला नहीं. बट ऑफ द बॉल उसका जो इंटेलिजेंस है, वो स्पेस आइडेंटिफाई करना, रन्स, हार्ड वर्किंग था स्पेशली कुछ. ऑनेस्टली फीलिक्स लाइक काफ़ी अंडर यूटिलाइज किया उसने फेर्रान को. फेर्रान वॉज देयर एवरी टाइम जब भी बार्सा फॉरवर्ड थी, देयर वॉज अ रन टू लैच ऑन टू, तो वो बहुत अच्छा था. फेर्रान लुकिंग गुड. रफीनिया ऑफ द बेंच, क्रेजी. देयर वॉज अ सीक्वेंस सेकेंड हाफ में जो आई थिंक कांसेलो के गोल पे, उस पर रफीनिया का होल्ड अप प्ले बोलो उसको, टच लाइक लिटरली टेक्स द बॉल आउटसाइड ऑफ द बूट टच, कमाल का. फिर लमीन का पास लेवेंडोस्की टू कांसेलो, इट वॉज दी बेस्ट गोल गेम का. और भाई नॉट नथिंग मच टू से, चैंपियंस लीग में देखेंगे. आई विल से दिस बट बिफोर मूविंग ऑन, डिफेंस लुक्स लाइक डोंकी, थोड़ा बहुत बेकार डिफेंस लग रहा है. एक दो मोमेंट्स है जब हम रन ट्रैक नहीं कर रहे. कांसेलो भी एक बार लिटरली थोड़ा लेजीली उसने अपना रन ट्रैक नहीं किया था, एंड दैट वॉज वेयर टेर स्टेगन सेव्ड अस. बट भाई होपिंग कि ये दिस लाइक टीम कीप्स ऑन बिल्डिंग, शावी लाइक कुक समथिंग, चेंजेस थिंग्स.